हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं पार्लर में काम कर रही थी और अचानक से बहुत ही ज़्यादा लग गई मुझे भूख। तो ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा था कि जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, तो मैं यहाँ पे पोहा बनाने के लिए आ गई फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे ऑनियन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाला हुआ है तड़के के लिए, और उसके साथ में मैं इसी में ऐड करूँगी फल्ली दाने, क्योंकि खाने में अच्छा लगेगा, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसके साथ में थोड़ा सा आलू भी ऐड करने वाली हूँ। तो आलू को भी मैं बारीक बारीक सा चॉप करके पहले से ही रख ली थी, इसको इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद ना इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये पके ना। जब हल्का पक जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। तो मसालों में से जैसे हल्का धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें इसमें मैं इस तरीके से डाल दूँगी। मसाले जो है तुरंत ऐड नहीं करेंगे, जब आलू पक जाएगा हल्का उसके बाद, मतलब आधे पके आलू में मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। अब इसको फिर से ढक देंगे और नीचे में जो है थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी टोमेटोज जो कट करके रखी थी। पहले अगर आप टमाटर डाल देंगे तो फिर आलू पकेगा नहीं, इसलिए पहले आलू को पका लेंगे, उसके बाद आप टमाटर को अंदर के साइड ढक के छोड़ दोगे तो वो पक जाता है। फिर उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर दी पोहा। अब मिक्स कर देना है अच्छे से और हल्का सा चीनी मिक्स करेंगे ऊपर से, थोड़ा सा क्वांटिटी, और नमक भी ऐड कर देंगे स्वादानुसार, जैसे आपका मन हो। तो यहाँ पे हमारा पोहा बनके रेडी हो चुका है। तो अब मैं खा के जाने वाली हूँ फिर से पार्लर में काम करने के लिए। तो ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी, कि अचानक से बीच में भूख लगती बट खाना खाने का मन नहीं करता, कुछ ऐसी चीज़ें। बाय बाय।